हम दोनों थक गए हैं, दोनों बहुत ज्यादा थक गए हैं। तू काहे का थक गई है? गाड़ी मैंने चलाई है, सुबह पैकिंग मैंने करी है, बैग्स मैंने रखे हैं, सब मैंने किया, तू काहे का थक गई है? मैं बैठे बैठे थक गई हूँ, मेरे यहाँ पे दर्द हो रहा है और मेरे पैर। गाने भी मैंने सुने। नमस्ते एंड वेलकम टू आवर चैनल। छुट्टियां खत्म हो चुकी है और सबसे डिफिकल्ट टाइम आ गया है, हम जा रहे हैं घर वापस। आने के टाइम पे जो एक्साइटमेंट रहता है वो जाने के टाइम पे नहीं रहता, बट अभी मेरे को थोड़ी सी मिक्स्ड फीलिंग्स है क्योंकि मैं बहुत टाइम के बाद ऑफिस जाने वाली हूँ, मुझे थोड़ा सा काम है। घर छोड़ के वापस भी जा रहे हैं, अपने ही घर जा रहे हैं, बट फिर भी फैमिली के साथ जो मज़ा आता है वो बात तो अलग ही रहती है। अभी बज रहे हैं 10:30, हम 9:30 बजे निकले थे घर से, सुबह के 10:30। सुबह के 10:30 वो तो दिख रहा है, धूप आ रही है, समझ ना लगी रात धूप आ रही है। YouTube में वीडियो बना के डालने वाली सबसे बुरी बात मुझे ये लगती है कि हम कोई गाना नहीं चला सकते यार, मतलब गाना चला सकते हैं बट देन यू हैव टू पे, क्या बोलते हैं, रॉयल्टी, हाँ कॉपीराइट आ जाता है, एंड दैट्स अ वेरी बैड थिंग यार। मतलब Instagram इज वेरी गुड फॉर दैट मैटर। तो ये वीडियो YouTube पे डालने वाली है और तू YouTube की बुराई कर रही है क्या? नहीं नहीं, बुराई नहीं कर रही हूँ मैं, बहुत अच्छा है YouTube बहुत अच्छा है, बेस्ट है। तो बॉम्बे से बड़ौदा की जो दूरी है दैट इज अराउंड 380 किलोमीटर्स, और 6.5-7 घंटे लगते हैं डोर टू डोर। डोर टू डोर मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वी स्टे जस्ट द मोमेंट वी एंटर बॉम्बे वी जस्ट स्टे देयर इन बोरिवली। 7 घंटे मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम बोरिवली में रहते हैं, विच इज लाइक यू एंटर बॉम्बे एंड बोरिवली, कैसे बोलूँ यार, बॉम्बे में घुसते ही बराबर बोरिवली सबसे पहले आता है। बॉम्बे में घुसते ही बराबर बोरिवली सबसे पहले आता है, इसके लिए हम तो 7 घंटे में पहुंच जाते हैं, बट अगर आप थोड़ा सा अंदर रहते हैं जैसे कि चेंबूर या फिर टाउन साइड। क्या है यार, सीधा चेंबूर पकड़ लिया तुमने? क्योंकि अच्छा चेंबूर मैंने इसलिए बोला क्योंकि जो मेरी सिस्टर इन लॉ है वो चेंबूर में रहती है, तो और वो अभी अभी बॉम्बे वापस गई है, तो इट्स वेरी आई मीन इट्स ऑन माई माउथ, तो मैंने एक बात सोची है। तो क्या हुआ अगर मैं YouTube में गाना नहीं चला सकती? मैं तो गाना गा ही सकती हूँ। और आप सब तो फैंस हो ही, और वो तो मुझे नहीं पता फैंस है कि नहीं, बट क्यों नहीं, अगर मैं रोड ट्रिप कर रही हूँ तो मैं डेफिनेटली, मैंने सोचा है कि मैं एज अ प्रथा इसको फॉलो करूंगी, और चाहे मुझे जैसा भी आए कोई बात नहीं, पर मैं एक गाना आप लोगों के लिए, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए मैं डेफिनेटली गाऊंगी, चाहे रोहन मुझे कितना डीमोटिवेट क्यों ना करे। नहीं तू गा, बिंदास गा। हाँ ठीक है, तो आज का गाना गाऊं? बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। इस गाने में सबसे अच्छी जो चीज आपको लगेगी वो है और जो मैंने गाया है। मैंने और कहते वक्त बहुत इमोशंस और एक्सप्रेशंस दिए हैं। आई एम श्योर कि जो ट्रू म्यूजिक लवर्स होंगे वो इस को पकड़ेंगे और इसकी वाहवाही करेंगे जरूर। अभी मेरा गाना खत्म नहीं हुआ है बाय द वे। अच्छा, ओह सॉरी, ये वही गाना है कि कोई और गाना है? अभी मैं गा रही हूँ तो तू बता ना। हाँ, हम तुम कितने पास है कितने दूर है चांद सितारे, सच पूछो तो मन को मेरे क्या लगते हैं ये प्यारे, मगर सच्चे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। वाह, क्या गाया है मैंने, वाह वाह वाह, ब्रिलियंट। ब्रोन मैम,
अच्छा गाया है मैंने अभी, मतलब मैं तेरी तो अभी तो टेक शुरू है, जब एडिट करेंगे तब देखेंगे, बट आई थिंक मैंने अच्छा गाया है. एंड और अच्छे गाने मैं गाती रहूँगी. ये थोड़ा सा स्लो वर्जन था, ओल्ड वर्जन था अभी, मतलब ओल्ड सॉन्ग था. अभी मैं एक न्यू गाना गाऊंगी थोड़ा सा ढिंचैक. तो तूने स्पेक्स क्यों पहन लिए ये तो बता दे. तो मैं मेरे लुक्स के साथ थोड़ा थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, ताकि जो हमारी ऑडियंस है वो तेरे हर लुक में तुझे देख लें और बने मेरे साथ बने रहें, मुझे फुल्ली एक्सेप्ट करें, मेरे चैनल को फुल्ली एक्सेप्ट करें, तेरे साथ एक्सेप्ट करें. अरे यार ओके. प्रेजेंटिंग सॉन्ग नंबर टू. कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी ना किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना. सांस ले ले, सांस ले ले भाई, सांस ले ले. तेरा मिलना है. मैं देखो डेडिकेट कर रही हूँ रॉन ये गाना. मत कर. क्यों? जरूरत नहीं. मैं अच्छा गाती हूँ यार ऐसे. तू अच्छा गा रही है पर तू कब से गा रही है यार? 3 घंटे से तू गा ही रही है. नहीं नहीं अभी तो सॉन्ग टू हुआ है, अभी तो बहुत सारे. पता है 3 घंटे बाद तू सोनू निगम या लता मंगेशकर को भी सुनेगी ना तो तुझे थोड़ा सा अनईजी लगने लग जाएगा. तो एक गाना गा फिर चुप, फिर 6 दिन तक नहीं गाने का, फिर एक हो गया. आ पता कुछ ये बन गए थे. मैं गा के सुनाती हूँ, पी लूं. मैं गा के सुनाती हूँ, ठीक है. पी लूं चाय, पी लूं. ये तो मुझे आता नहीं है लिरिक्स. और मैंने, मतलब बहुत कॉमन डायलॉग है, सब लोग बोलते होंगे, बट यार माँ के हाथ का खाना माँ के हाथ का खाना है. खुद का बना हुआ खाना या रेस्टोरेंट का खाना तो कहीं आता ही नहीं. और थैंक यू सो मच मम्मी जी, बहुत ही अच्छे तवा पुलाव हैं. वी आर जस्ट लविंग इट. बहुत ही मस्त खाना है, मज़ा आ गया. मैं सुबह सुबह मम्मी से चिढ़ रहा था कि यार इतना सारा क्यों पैक करके दे रही हो, लेकिन अब जब मैं खा रहा हूँ मज़ा आ गया है. पूरी, अचार, आलू, वेफर्स, तवा पुलाव, यू नेम इट एंड वी हैव इट. An eternity later. यार ये लड़कियों के साथ जब भी ट्रैवल करो तो ये प्रॉब्लम बहुत आती है कि इनको जब मौका मिले ये वहीं गाड़ी रुका देती हैं और शॉपिंग करने के लिए. देखो क्रेजी, अभी ये गई है ये सब पॉटरी का सारी आइटम्स खरीदने के लिए. काफी कुछ खरीद रहे हैं और यहाँ से बॉम्बे पहुँचने में हमको अप्रॉक्सीमेटली 3 hours और लगेंगे. अभी बज रहे हैं 3 o'clock, तो आई होप दैट वी रीच होम बाय 5. मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ, सो स्ट्रेस की बात नहीं है, मज़ा आ रहा है. तो यार तू इतना क्या शॉपिंग कर रही है यहाँ पे यार? बहुत अच्छी चीज़ें मिल रही हैं. मोबाइल में सैनिटाइजर डाल रही है यार ये लड़की, पागल हो गई है. इतना कोरोना का टेंशन था तो क्यों निकली बाहर? मास्क पहन के गई थी ना. सामान खरीदना भी तो जरूरी है. और मैंने लिया है एक वो बाजरा की रोटी जिसपे बनती है, वो लिया है मैंने. मुझे मिला है 150 का, पहले उसने 200 बोला, फिर खुद ही उसने 150 बोल दिया. और मैंने एक कूटने वाला लिया है पत्थर का, जो ग्रेनाइट का है, वो उसने मुझे दिया है 300 का. तो मैंने 450 रुपीज की शॉपिंग करी है. अभी बज रहे हैं 5:30 शाम के, और ये देखिए ड्राइवर की शक्ल उतरते हुए. तो मेरे ही पीछे पड़ी. पूरे रास्ते हमें ट्रैफिक नहीं मिला, बहुत ही स्मूथली.
खाते पीते हम लोग अच्छे से बॉम्बे पहुंच गए, पर अब यहाँ आके अटक गए और यहाँ पे बहुत सारा ट्रैफिक है। आई थिंक आधे घंटे से तो हम ऑलरेडी अटके हैं। सॉरी टू कट यू, बट ये पूरा ट्रैफिक इसी के चक्कर में मिला। ये अगर वहाँ रुकी नहीं होती तो हमको ये ट्रैफिक नहीं मिला होता। बात खत्म हो गई है। दोनों बहुत ज्यादा थक गए हैं। तू का थक गई है। गाड़ी मैंने चलाई है, सुबह पैकिंग मैंने करी है, बैग्स मैंने रखे हैं, सब मैंने किया। तू का थक गई है। मैं बैठे बैठे थक गई हूँ, मेरे यहाँ पे दर्द हो रहा है और मेरे पैर। गाने भी मैंने सुने। वो भी घर पहुंच जाएंगे इन अनदर एक घंटे में। फिर रोहन एक अच्छी सी अदरक वाली चाय बनाएगा। मैं कूद जाऊंगा गाड़ी से बाहर। मैं बनाऊंगी मैं अच्छी सी अदरक वाली चाय बनाऊंगी। ये देखिए कितना खूबसूरत सनसेट दिख रहा है यहाँ से। इसे कहते हैं गोल्डन आवर। ये टाइम पे सबसे सुंदर फोटोज और वीडियोज आते हैं। लेकिन ट्रैफिक देख लो आप। और मैंने बना ली है मेरे और उनके लिए अदरक वाली चाय। और बस ये व्लॉग यही एंड करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा बाय बाय, सी यू।